Publish Park, the creative school, school for quality and innovative education. Admissions are open. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Sri Lakshmi Prasanna Traders, specialist in edible oil, coconut oil and ghee available here. Students bus pass ka inauguration. नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसों कल्याण सिटी के KSRTC बस स्टैंड में 15 जून 2023 को कर्नाटका सरकार EDCS डिपार्टमेंट द्वारा स्टूडेंट बस पास का इनॉग्रेशन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में ज्ञानोबा मोहम्मद नासिर बस पास ऑपरेटर मौजूद रहे। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने स्टूडेंट्स के लिए बस पास EDCS डिपार्टमेंट कर्नाटका वन द्वारा 150 चार्ज कर बस पास दिया जा रहा है। ये बस पास 60 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए लागू है। SC ST स्टूडेंट्स के लिए बस पास के लिए 150 रुपये पे करने होंगे। जनरल वालों के लिए 1050 है, बी स्टूडेंट के लिए 1550 है और ITI के स्टूडेंट के लिए 1310 पे करने होंगे। ये बस पास 10 महीने वैलिड रहेगा। इसके अलावा जो फी गवर्नमेंट ने जारी किया है वही पे करना होगा। एडिशनल फीस किसी भी स्टूडेंट को पे करना नहीं है। जो बस पास आपने जो स्टूडेंट्स के लिए बस पास इशू किया है उसके बारे में क्या बताएंगे? ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की स्कीम है, स्टूडेंट बस पास होंगे। स्टूडेंट बस पास विदिन 60 किलोमीटर से EDCS डिपार्टमेंट से उसको कर्नाटक वन में दिया गया है। कर्नाटक वन ऑपरेटर हमारे तरफ से। आईलाइट इंडस्ट्री AAC ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम होम विद क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सो होम इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, फर्नीचर, ARK गिरी सिल्क एंड सारी हमारे सेंटर है। और इसको जो बस पास जो एप्लीकेशन में फीस है नहीं लेना बोलते हमारे को EDCS से डायरेक्ट किया गया है, वही फीस के हिसाब से हम बस पास स्टूडेंट्स को जारी करेंगे। तो 60 किलोमीटर के बाद में अगर से कोई स्टूडेंट्स आता है या जाता तो उसके लिए क्या सुविधा है? वो आफ्टर 60 किलोमीटर या तो किराया इशू करना चाहिए या तो ऐसा सेटलमेंट करना चाहिए जो विद इन 60 किलोमीटर और बस पास में जर्नी कर सकते हैं। तो इसके लिए फीस कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई है? बिल्कुल, SC ST को 150 है। जैसे मतलब प्रोफेशनल कोर्स है, ITI को डिप्लोमा और डिग्री प्रोफेशनल कोर्स को अलग अलग फीस है। उसके हिसाब से एप्लीकेशन नंबर हमारे तो ऑटोमेटिक फीस आती है, उसको वही फीस पे हम लोग उसको जारी करेंगे। तो इससे कोई एडिशनल फीस वगैरह कुछ? एडिशनल फीस कुछ नहीं लेना है, बल्कि गवर्नमेंट से ऑलरेडी सर्कुलर जारी किया गया है और हम जो फीस है वही फीस के हिसाब से ही काम करेंगे। तो मिनिमम जो है 150 के हिसाब से लेना है। स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, एडमिशंस आर ओपन। जस्ट पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम, फ्री एडमिशन, नो डोनेशन। 50 के हिसाब से लेना है। SC ST जैसे 150 है, और जैसे जनरल वालों को 1050 है और BE वालों को 1550 है, ITI वालों को 1213 है, वो हिसाब से नई फीस ले लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये पास या 6 मंथ के लिए है, 1 ईयर के लिए चलेगा? ये 10 मंथ्स का पास है।